इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन क्या है, उसकी बाउंड्रीज और उसके बॉर्डर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन है इसकी क्या फंक्शन है, इसका क्या रोल है, इसकी अप्लाइड एनाटॉमी भी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसकी बाउंड्रीज। अब सबसे पहले ये है पिंक कलर में ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ये है एक ट्राइंगुलर इंटरवल जो बाउंडेड है मीडियली बाय द लैटरल बॉर्डर आफ्टर एपिजियस मसल, यानी जो इसकी मीडियल बाउंड्री है वो बनाता है लैटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस मसल। ये है ट्रेपीजियस और जो इसकी लैटरल बाउंड्री है वो बनाता है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। इसका जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो बनाता है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डार्साई मसल। ये है इसका इन्फीरियर बॉर्डर, वो बनाता है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डार्साई। ये हो गई इसकी बाउंड्रीज। अब जो इसकी जो रूफ है वो बनाता है रोम्बाइड मेजर मसल। रोम्बाइड मेजर, ये थी इसकी बाउंड्रीज। अब इसका फंक्शन क्या है? अब ये जो एरिया है, ये एरिया ये है बैक पर लोकेटेड। अब यहाँ पर इसकी साथ जो है ना सिक्स्थ और सेवन्थ इन रिब्स हैं इसको कवर कर रही होती हैं, और इसके साथ जो यहाँ पर इंटरकोस्टल स्पेस है वो होती है सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अब यहाँ पर जो होती हैं रिस्पायरेटरी साउंड वो एपेक्स ऑफ द लोअर लोब उसको हर्ड करते हैं रिस्पायरेटरी साउंड को। तो इस ट्राइंगल को दो साउंड सुनी जा सकती हैं, एक होती हैं रिस्पायरेटरी साउंड, और कुछ ओल्ड डेज में जो टेक्निक जब एक्सरेज नहीं हुआ करती थी तब जो इसोफेजियल साउंड होती थी, इसोफेजियल साउंड वो भी यहाँ से हर्ड की जाती थी। लिक्विड की जो स्वेलोइंग की जो इसोफेजियल साउंड होती थी वो भी इसी ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन से हर्ड की जाती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकली अप्लाइड ट्राइंगल है, एनाटॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। इसकी जो बाउंड्रीज हैं ये है मीडियली बाय द लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस मसल, लेटरली बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और इन्फीरियरली बाय द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डार्साई मसल, और इसकी रूफ बनाती है रोम्बाइड मेजर मसल कवर करता है। और इसके अलावा ये वो एरिया है जो और किसी भी चीज़ से कवर नहीं हुआ हुआ। इस यहाँ पर जो रिब्स हैं सिक्स और सेवन्थ रिब, और जो इंटरकोस्टल स्पेस है वो है सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस। इसके बाद जो यहाँ पर हर्ड साउंड की जाती हैं वो हैं दो, रेस्पायरेटरी साउंड और दूसरी है सवेलोइड लिक्विड की एसोफीजियल साउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन।